बांका जिला के शंभुगंज थाना क्षेत्र के बग्गा गांव में अवैध बालू कारोबार को लेकर हथियार लहराते बालू माफिया का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस के द्वारा वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। जिले में बालू माफियाओं का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि खुलेआम हथियार लहराकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में बालू माफियाओं के द्वारा हथियार लहराने का वीडियो शंभुगंज से वायरल हो रहा है। दरअसल शंभुगंज थाना क्षेत्र के बग्घा गांव में अवैध बालू का कारोबार लंबे अरसे से फल फूल रहा है। बालू माफिया के द्वारा डंप किए गए बालू को दूसरे माफियाओं के द्वारा उठा लिया जाता है। इसको लेकर दो गुटों में तनाव उत्पन्न हो गया है। इसको लेकर बग्घा गांव में गुरुवार की रात हथियार लहराते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक बालू माफिया दूसरे को अवैध हथियार लहराते हुए धौंस दिखा रहा है। वायरल वीडियो में अवैध हथियार के साथ रात में चलते एक युवक बहस करते नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि डंप किए गए बालू को दूसरे बालू माफिया के द्वारा चोरी कर उठाकर ठिकाने लगा दिया गया। इससे आक्रोशित एक युवक अवैध हथियार लहराते हुए बालू माफिया से विवाद करने लगा। डंप किए गए बालू का उठाव कैसे कर लिया? वीडियो वायरल होने के बाद से अवैध हथियार लहरा रहे बालू माफिया के नाम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। शंभुगंज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बग्घा सहित अन्य बालू घाटों से रोजाना अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है। अवैध हथियार के साथ वीडियो व फोटो वायरल होना शंभुगंज के लिए कोई नई बात नहीं है। वायरल वीडियो की जाँच चल रही है। वायरल वीडियो को लेकर शंभुगंज पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष उमेश प्रसाद ने बताया कि वायरल वीडियो प्राप्त हुआ है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है। बांका डीएसपी दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, एसडीएम मनोज कुमार चौधरी एवं खनन पदाधिकारी महेश्वर पासवान ने संयुक्त रूप से शहर में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान नो एंट्री का उल्लंघन करने वाले वाहनों को कड़ी फटकार लगाते हुए नौ वाहनों को जब्त कर थाना परिसर लाया गया। बताते चले, आए दिन वाहन चालक खुलेआम नो एंट्री का उल्लंघन करते हुए शहर में प्रवेश कर जाते हैं, जिस कारण आए दिन शहर में जाम लग जाती है। जाम के कारण शहरवासियों के साथ साथ आम दुकानदारों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ धड़ल्ले से वाहनों के प्रवेश के कारण बड़ी दुर्घटना घटित होने का भय शहरवासियों में बनी रहती है। थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि सभी जब्त वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर दुमका रेल खंड पर रविवार के दिन सर्विस ट्रेन की चपेट में आकर एक वृद्ध की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 80 वर्षीय नरेश पंडा के रूप में हुई है, जो पिपरा गांव के रहने वाले थे और पिपरानाथ मंदिर के मुख्य पुजारी थे। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को मंदिर में पूजा के लिए वे बेलपत्र लाने मंदिर के ही पास बगीचे में गए थे। साथ ही लोगों ने बताया कि वे थोड़ा ऊंचा सुनते थे। जब वह बेलपत्र लेकर आ रहे थे तो बौसी की तरफ से दो बोगी वाली सर्विस ट्रेन आ गई और वे इसकी चपेट में आकर मौत के मुंह में समा गए। बाद में घटना की सूचना थाना को दी गई। उनके निधन की खबर सुनकर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस इस हादसे को लेकर आगे की प्रक्रिया में लग गई है। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर टहरिये गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट में एक महिला समेत दो लोग जख्मी हो गए। जख्मी कैलाश यादव, इनकी पत्नी मीना देवी एवं पुत्र दीपक यादव का प्राथमिक उपचार स्थानीय रेफरल अस्पताल में किया गया। मामले को लेकर जख्मी कैलाश यादव ने बताया, गाँव में मेरी एक छोटी सी किराने की दुकान है। मेरी दुकान के सामने में अशोक यादव की भी किराने की दुकान है। गांव के एक ग्राहक हमारी दुकान पर कुछ सामान लेने आया था, तभी अशोक यादव गाली गलौज करने लगा, जिसका विरोध करने पर अशोक यादव समेत विनोद यादव, पंकज यादव, मिथुन यादव समेत आठ लोग लाठी डंडा से लैस होकर आए और ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए जख्मी कर दिया। बीच बिचाव करने आए पुत्र एवं पत्नी को भी पीट कर जख्मी कर दिया। मामले की लिखित आवेदन जख्मी ने थाने में देते हुए कार्यवाही करने की मांग की है। थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है। अशोक यादव का गुमटी रोड पे है और हमारा दुकान घर पे 8 साल पहले से है। हमारा लड़का रोड पे गुमटी है तो हमारा लड़का उधर से आ रहा था। ग्राहक ने पूछा कि आप मुढ़ी 1 किलो कितना में देते हैं। मेरा लड़का 8-10 साल का है, उसने कहा कि हम 40 रुपये में देते हैं। उसी बात से आकर हमारे लड़का को घर में घुस कर मार पीट करने लगा। फिर बात शांत हो गया। उसके बाद रात में उसने मीटिंग किया। कौन मारपीट किया? विनोद यादव और उसका पत्नी अम्बा देवी, मिथुन यादव, अशोक यादव, पंकज यादव, सब लोग मिलकर और उसका पूरा परिवार। क्या चीज से मारा है? क्या चीज? भाला मारा मुझे, तीन जगह है, गड्ढा हुआ है और इसको हुआ। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मारा, मेरा गेट तोड़ दिया। मेरा नाम कैलाश यादव है। घर कहाँ हुआ? रामचंद्रपुरी टहरी।